हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज बात करेंगे गुजरात के पोरबंदर जिले के बारे में। तो आइए चलते हैं पोरबंदर जिले की शानदार सफर पर। पोरबंदर जिला गुजरात के पश्चिमी भाग में सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है, जिसकी सीमा देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और अरब सागर से लगती है। तीन तहसील में बटा हुआ पोरबंदर जिला 2316 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जिले का मुख्यालय पोरबंदर शहर है, जो जिले का सबसे बड़ा शहर भी है। करीबन जिले की आधी आबादी पोरबंदर सिटी में ही रहती है। यह शहर महात्मा गांधी और सुदामा का जन्म स्थान भी है। 2024 में इस जिले की आबादी 6.5 लाख के आसपास मानी जाती है, जिनमें से 93% के साथ हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस जिले में 154 गांव बसे हुए हैं। यहाँ पर बोलचाल के लिए गुजराती भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। समुद्र तट के पास मौजूद होने के कारण जिले में कई सारे बीचेस भी है, जैसे कि चौपाटी बीच, माधवपुर बीच और पोरबंदर बीच। दुनिया का एकमात्र सुदामा मंदिर इसी जिले में पोरबंदर शहर में स्थित है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस जिले में आपको जे 25 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती हुई दिख जाएगी। यह जिला देश भर के शहरों के साथ सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। जिले में एक एयरपोर्ट भी स्थित है, जो गुजरात के कुछ शहरों के साथ मुंबई के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है। पोरबंदर पोर्ट एक प्राचीन बंदरगाह भी है, जो हर मौसम में खुला रहता है। इस जिले की इकोनॉमी मुख्यतः कृषि और ट्रांसपोर्ट पर टिकी हुई है। जिले में समुद्र तट के पास बसे हुए लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पोरबंदर जिले के कुछ घूमने लायक स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले है माधवपुर बीच। गुजरात के प्रसिद्ध बीचों में से एक माधवपुर बीच पोरबंदर सिटी से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काफी शांत और सुंदर यह बीच नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ है। पोरबंदर जिले में यह सबसे सुंदर जगह मानी जाती है। उसके बाद है कीर्ति मंदिर। पोरबंदर शहर में स्थित यह एक स्मारक मंदिर है, जिसे महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की याद में स्थापित किया गया है। महात्मा गांधी का पैतृक घर, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वो भी इसी मंदिर के पास ही में स्थित है। यह मंदिर गांधी जी के जीवन यात्रा को दर्शाने वाली फोटो गैलरी से घिरा हुआ है। उसके बाद है पोरबंदर बर्ड सेंचुरी। एक वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी आते हैं। यह गुजरात का एक ऐसा पक्षी अभयारण्य है, जो वहाँ घोंसला बनाने वाले पक्षियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर राजहंस, पेलिकन, बतक जैसे कई सारे प्रवासी पक्षी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा भी पोरबंदर जिले में बारड़ा हिल्स, पोरबंदर बीच, जांबुवन गुफाएं, हुजूर पैलेस, श्री हरि टेम्पल, हरि सिद्धि माताजी मंदिर जैसी कई सारी जगह है घूमने लायक है। तो दोस्तों, ये था पोरबंदर जिला। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।